सकते हो क्या क्या निकालना है, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, इसके बारे में बोल रहा है नंबर ऑफ टेल्स इन टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन, एक कॉइन है उसको दो बार उछाला जा रहा है। अगर एक कॉइन को बारी बारी से दो बार उछालेंगे तो पहले हम सैंपल स्पेस निकालेंगे क्या क्या आ सकता है। हो सकता है कि पहली बार में हेड आए और दूसरी बार में भी हेड आए, ठीक है। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरी बार टेल आए, पहली बार टेल, दूसरी बार भी टेल, और हेड और टेल और यही आने का पॉसिबिलिटी है। अब तुमसे जो पूछा है उसको एक्स मान लेंगे, नंबर ऑफ टेल्स लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स एक्स क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ टेल्स डिनोट कर रहा है। अब तुमको क्या करना है, हमेशा जो है एक्स का वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू, टू पे जाके रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया है, दो, माने दो ही रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो माने जीरो माने हम टेल का बात बोल रहे हैं, टेल माने या एक्स का वैल्यू जीरो है, जीरो माने नो टेल, ठीक है, जीरो माने नो टेल, ठीक है। तो टेल नहीं आने का चांस कितना है, तो टोटल वैल्यू कितना है यहाँ पे, फोर, ठीक है। अब फोर में से ऐसा कितना है जिसमें टेल नहीं है, टेल नहीं है, तो कितना आया है, वन बाई फोर, पी एक्स इक्वल टू वन, मतलब एक टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, एक टेल, ठीक है। हमेशा कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम बनाना तो पहले नो से शुरू करना, नो माने टेल नहीं आना चाहिए, अगर हेड बोलता है तो हेड नहीं आना चाहिए। ऐसा हो सकता है ना, दो बार उछाल रहे हो तो दोनों में टेल नहीं आया, दोनों में टेल, या ऐसा हो सकता है कि एक ठो में टेल आया है एक ठो में नहीं आया है। तो एक ठो में टेल आने के लिए यहाँ पे फिर निकालेंगे तो कितना होगा, एक ठो में टेल आना चाहिए तो कहाँ पे है, एक और दो, है ना, तो कितना हो जाएगा, टू बाई फोर, और फिर एक्स इक्वल टू टू माने दोनों टेल आना चाहिए, क्या दोनों टेल आना चाहिए, दोनों टेल कितना है, वन। यह समझ में, हर एक सम में ये तुमको खुद से डिसाइड करना है कहाँ जीरो से स्टार्ट करना है, कहाँ जाके रुकना है, ये ध्यान देना है। दोनों टेल नहीं आना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक ठो टेल आ गया, ऐसा हो सकता है कि दो ठो टेल आ गया, एक कॉइन को दो बार उछाला गया, ठीक है। तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिखे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे एक्स लिखेंगे और यहाँ पे पी आई लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे टेबल बना लीजिए इस तरह का, तीन लिखे हैं, क्यों, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो वन और टू। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, जीरो वन और टू, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर एग्जाम पूछेगा खाली टेबल बना दो तो यहाँ पर बना देना। तो जब एक्स का वैल्यू जीरो था तो पी आई कितना था, वन बाई फोर, वन था तो कितना है, टू बाई फोर, फिर टू था तो
4। इस टेबल को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आ गया समझ में? इतना आया? जिसके बारे में बात कर रहा है उसी को एक्स मान लेंगे। जीरो टेल नहीं आना चाहिए, हमेशा जो पूछेगा वो नहीं आना चाहिए। और ये भी पॉसिबिलिटी होता है कि एक टोटल आए, ये होता है कि दो टोटल आए। अब हमको क्या निकालना है? मीन। क्या निकालना है? मीन। मीन का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, टोटल ऑफ एक्स आई मल्टीप्लाई पी आई। आई का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा? वन से नहीं, कहाँ से? जीरो से। एक्स जीरो होगा ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया समीशन ऑफ एक्स आई, जीरो से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हो रहा है? ये लिख देना है। ऐसे सिंबल अगर भूल भी जाओ तो तुम एग्जाम में खाली इसका इसका मल्टीप्लाई करना, ध्यान देना है। जीरो इंटू वन बाई फोर, जीरो इंटू फिर इसका इसका मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है ना? खाली मल्टीप्लाई करना, फिर इसका इसका टू इंटू वन बाई फोर। बोलो कितना हो जाएगा? ये जीरो, ये कितना हो जाएगा? वन बाई टू। और ये भी कितना होगा? वन बाई टू। तो वैल्यू कितना आया? आ गया मीन, समझ में आया? अब बाय द वे फॉर्मूला भी भूल जाओगे ना तो ये इंटू कर देना, इंटू करके प्लस कर देना, हो गया। और एक्स आई और पी आई, इसको एक्स आई बोलते हैं, इसको पी आई, हो गया। अब यहाँ से मीन निकल गया, मीन के बाद क्या निकालना है? वेरियंस निकालना है। वेरियंस निकालने के लिए तुमको, अच्छा मीन को म्यू बोला जाता है, मीन का नाम क्या है? म्यू। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई। याद रखना, अब की बार क्या है? इसी से मिलता जुलता है, इसमें क्या है? खाली स्क्वायर है और एक चीज है, माइनस म्यू, ठीक है। म्यू का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो अब क्या करना है? स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है। इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो कितना होगा? इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो कितना होगा? इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करो कितना होगा? ठीक है, हो गया। और म्यू, म्यू का वैल्यू कितना आया है? वन। वन का स्क्वायर कितना होगा? वन। तब ये कितना होगा? वन बाई टू प्लस वन माइनस वन, कितना आ गया? ये भी समझ में आ गया? स्क्वायर करके इंटू करो, मीन वाला माइनस करो। तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला होता है कि जो तुम्हारा वेरिएंस का वैल्यू आया है उसका रूट ओवर कर दो। वेरिएंस कितना आया है? हो गया। इस चैप्टर का केवल एक ही सम है, सिर्फ एक सम और एक फॉर्मूला। एक सम माने एक टाइप का, इसी टाइप का फॉर्मूला है और एक ही फॉर्मूला है और इसी तरह बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया। कभी कभी कुछ अननोन दे देगा, जैसे यहाँ पर कुछ दे दिया, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। फिर मीन भी दे दिया, इक्वल टू करके निकालना। तो बेसिक तरीका यही है, सैंपल स्पेस निकालो, रैंडम वेरिएबल का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू।